समावेश होता है। इस परंपरा के बिना समाज का निर्माण असंभव है। परंतु जैसे कहा जाता है कि चांद में भी दाग होता है, उसी प्रकार विवाह की परंपरा में भी एक दाग है, वो है दहेज। इसे अभिशाप का नाम देना ज्यादा उचित होगा। ये एक ऐसा अभिशाप जिसने न जाने कितने मासूमों का भोग लिया है। ये दहेज प्रथा गैर कानूनी होने के बावजूद भी हमारे समाज में खुली तौर पर राज करती है। आज हम आप लोगों के सामने इस समस्या का विस्तृत समाधान की बात लेकर प्रस्तुत है। और तुम्हारी बहन उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे प्रमोद।
और उसके सपनों के खून के दाग तुम्हारे इन हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल में होंगे। जो मेरी बहन है वो आपकी कुछ नहीं है। बहू और बेटी को एक ही तरह तुम्हें तोड़ना चाहते हो। बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, अगर आप अपने जिद पे इतने ही अड़े हो तो आपसे विनती करना बेस्ट है। क्या क्या मैं जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर। और हाँ, उसे बता के जाना अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदाई करवाने कब आओगे। अरे ओ गौरी की माँ, सुनती हो? जरा बहू को भेजना अपने भाई से मिलने के लिए, तब तक मैं देखकर आता हूँ इस माली के बच्चे ने झूला लगाया कि नहीं। मेरी बेटी गौरी आ रही है, उसे झूला झूलना बहुत पसंद है। विदा के लिए क्या कहा उन्होंने?
समझ गई। अपनी जिद के आगे वो किसी की भी नहीं सुनते। जब से तुम्हारी चिट्ठी आई है तभी मना कर रहे थे। मैं तो उन्हें समझाते समझाते थक गई। वैसे वैसे क्या कहा उन्होंने? अरे मुझसे कैसी शर्म, मेरे लिए जैसा मेरा रमेश है वैसे ही तुम हो। बताओ कितने रुपए चाहते हो? जी रुपयों की तो कोई बात नहीं हुई। माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा पैसों से प्यार है उन्हें। बताओ बताओ कितने रुपए लेकर वो विदा के लिए तैयार हुए? चुप क्यों, बताओ। जी 5,000 रुपए। बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए, जाकर उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के वो रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम इंसानों से भी ज्यादा प्यार करते हो। तुम रुको मैं भी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदाई किए हुए ही जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो बेटा, मेरे होते हुए विदा ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को अच्छी तरह समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर अपनी बेटी गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी भाभी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, कमला विदा जरूर होगी। बहू के आने का समय हो गया है और तुमने उसके स्वागत की कोई तैयारी ही नहीं की। तू जा बेटी, अंदर जा। अरे तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, जाके स्वागत की तैयारी क्यों नहीं करती? जरा ये भी तो देखे कि हम नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तुम्हारे मुंह से कोई ढंग की बात तो निकलती है नहीं, जब देखो बेढंगी बातें। ये लो, अब मैंने कौन सी गलत बात कह दी? तुम्हें लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक नाक वाले हो और बाकी सब लगते हैं? तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। अब प्रमोद तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत कहा? ठीक ही कहा बाबूजी आपने, आज के युग में तो पैसा ही नाक और मूंछ दोनों है। जिसके पास पैसा नहीं वो नाक और मूंछ रखते हुए भी नकते हैं। अरे गौरी आ गई, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर से मिठाई का थाल लेकर आओ। पिताजी। अरे रमेश, रमेश गौरी कहाँ है? गौरी नहीं आई पिताजी। नहीं आई, क्यों? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? क्या हुआ है उसे? हाँ पिताजी, उसकी तबीयत ठीक है, पर उन्होंने गौरी को विदा नहीं किया। विदा नहीं किया? क्यों विदा नहीं किया? कह रहे थे कि हमने उन्हें पूरा दहेज नहीं दिया है।
अरे हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लालची कही के लोभी कही के तुम उन्हें भला बुरा क्यों कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर बार सब बेच के दे दे लेकिन लेकिन बेटे वालों की नाकी हमेशा ऊंची रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। बाबा शराफत और इंसानियत की दुआई तुम दे रहे हो और कुछ देर पहले चुप रहो तुम। बहुत चुप रही अब मान नहीं रहूंगी। आखिर आखिर कमी क्या है हमारी बहू के दहेज में मगर तुम अक्की। मेरी बेटी को उजाला करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी को विदा ना कहकर उनका अपमान कर रहे हो। सॉरी की माँ अभी तक आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो ना वैसा ही व्यवहार दूसरों की बेटियों को भी दो। जब तक बेटी और बहू को नहीं समझोगे तब तक ना तुम्हें सुख मिलेगा न शांति। बेटी बहू बहू बेटी अजीब उलझन है मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कोई बेटी वाला भी है तो ये सारी उलझन ही सुलझ जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। बाबूजी मुझे आज्ञा दीजिए मेरे गाड़ी का समय हो गया है मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी फिर आऊंगा। और विश्वास रखिए इस बार आपके चोट की मरहम लाना नहीं भूलूंगा। हेलो प्रमोद मुझे लज्जित मत करो मेरी चोट का इलाज मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मुझे एक और छोड़ देके कर दिया है। बाबूजी दहेज की लालच में मैं अंधा हो गया था। पैसों के आगे मैं रिश्तों का मोल भूल गया था। मैं भूल गया था कि मेरी खुद की बेटी भी किसी की बहू है। बहू ओ बहू करो। जी हाँ